गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग टेन वर्ड्स नहीं करेंगे, आज कुछ ही पाँच मीन्स फाइव वर्ड्स ही करेंगे। लेकिन जो टेन वर्ड्स करते थे, अब फाइव वर्ड्स में ही टेन वर्ड्स का ये जो बोलेंगे कि टेन वर्ड्स को मेकअप कर देगा। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट वर्ड के बात करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है दोस्तों डिलीनेट। डिलीनेट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, सॉरी वर्ब है। और मीनिंग के बात करेंगे तो वर्णन करना और चित्रित करना। अरे सिनोनियम के बात करेंगे दोस्तों तो डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब जो है यह भी सिनोनियम्स है। डिफाइंड और पोर्ट्रेट ये सिनोनियम्स है। और इसका ट्रिक याद करेंगे कैसे, वो ट्रिक है मीन्स डिलीनेट। डिलीनेट मतलब डेली नीट, क्या है डेलीनेट, डेलीनेट मतलब डेली के बारे में मैप डेलीनेट करता है। क्या करता है, मैप जो है डेलीनेट करता है, मतलब वर्णन करता है कि डेली के बारे में मैप डेलीनेट करता है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे दोस्तों विंडिकेट। क्या है दोस्तों विंडिकेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। और निर्दोष ठहराना या दूसरा भी मीनिंग के बात करेंगे, साफ करना फ्रेश करना। तो यहाँ सिनोनिम्स के बात करेंगे तो एक्सकल्पेट, क्या है एक्सकल्पेट, अफसोल्व और इजो, क्या है इजोनिरेट, क्या है इजोनिरेट, इजोनिरेट। और इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक है कि विन हो गया केस तो विंडिकेट हो गया। कहने का मतलब है कि जो है मतलब केस जो जीत गए तो विंडिकेट हो गए, मतलब निर्दोष ठहराना है उसको कि वही बोल सकते हैं। अगर वो निर्दोष ऐसे नहीं ठहराया जाता है जो गलती करता है, तो केस में जो दो पार्टी होते हैं जिसमें से केस में जो है वो निर्दोष, मतलब निर्दोष जो पकड़ा जाता है और उसको ठहरा दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड बात करेंगे दोस्तों आर्टिकुलेट। क्या है आर्टिकुलेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। और इसका मीनिंग के बात करेंगे तो स्पष्ट बोलना। और इसका जो सिनोनिम्स है फ्लुएंट, कोहरेंट, लूसिड, इलोक्वेंट, ये सिनोनिम्स है। इसको क्या है, कैसे याद करें, तो ट्रिक है यहाँ से समझेंगे कि आर्टी जो है कैलकुलेट करता है, या यहाँ से करेंगे कि आर्टिकल लेट आई ये स्पष्ट बोली। आरती खुद लेट आई तो डायरेक्ट बोल दी, आज जो बोल दी कि हाँ हम कल लेट आए थे, मीन्स आरती जो है आर्टिकुलेट तरीके से बोलती है या स्पष्ट बोलती है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वेसिलेट। क्या है वेसिलेट, वेसिलेट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। मीनिंग के बात करेंगे तो डगमगाना या डोलना। सिनोनिम्स है दोस्तों वोसिलेट, वासिलेट और ओसिलेट, निबल, सस्पेक्ट। तो यहाँ से याद करेंगे ट्रिक है, वैसे लेट से आने वाले लोगों का जॉब जो है वेसिलेट होता है, मतलब डगमगाते रहता है। अगर कोई जॉब जो है नौकरी करता वो टाइम पे नहीं जाता है, हर दिन लेट से जाता है, तो उसका जॉब जो है वैसे लेट हो सकता है, मतलब डगमगा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड बात करेंगे इनेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। मीनिंग के बात करेंगे तो इनहेरिटेड, नेटिव, ये सिनोनिम्स है। और जन्मजात, इनेट का मतलब है जन्मजात, और ये इनहेरिट नेटिव जो है ये सिनोनिम्स बोलेंगे। और सिनोनिम्स इन बोर्न, इमब्रेड, ये सिनोनिम्स है। ट्रिक है कि यहाँ से निकल के आता है इनेट, इन एट, इनेट, इन एट, इनेट, इन एट, मतलब इन एट लोगों का इनेट, इन एट लोगों का इनेट से अच्छी है। दोस्तों यहाँ पे मतलब करना है इनेट से, मतलब इन लोगों का इंग्लिश इनेट से ही
अच्छी है, ऐसे यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरीके से याद करेंगे, यहाँ थोड़ा सा छूट गया था, इन एट लोगों का इंग्लिश इन एट से अच्छी है, मतलब जन्मजात से ही अच्छी है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया दोस्तों तो शेयर कर दे, और अगर न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को। और दोस्तों अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो एक आई बटन होगा कोने पे, वहाँ पे पॉज करेंगे तो वीडियो दिख जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम लोग सुबह 7 बजे नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू।